This news sponsored by Me Media and Web Solutions Private Limited. Contact us for live streaming on news portal, website, YouTube channel and Facebook. Also, we deal in online promotion, SEO, e-business, web server and all type of audio video making. Call now 9999042768. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है लोकसभा चुनाव के 23 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के पाटन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में ही गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों का राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की उनकी मांग बढ़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी की हिम्मत की वजह से ही बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई और आज पाकिस्तान भी मोदी से डरता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के दफ्तर में काम करने वाली एक पूर्व कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिस पर जवाब देते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा करके कुछ लोग उन्हें अहम मामलों की सुनवाई करने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो कौन समझदार जज बनना चाहेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड फॉर्म से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव विजय गोखले आज पेचिंग के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच मसूद अजहर को लेकर बात हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की माटी में आकर शरद पवार को ललकारना इतना आसान नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बाबरी विध्वंस विवादित बयान देते हुए कहा कि मैंने ढांचे पर चढ़कर तोड़ा था, मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, अब वही राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि साध्वी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में हार्दिक पटेल पर एक शख्स के द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद अब अहमदाबाद में हार्दिक की जनसभा में उनके ही समर्थकों के बीच जमकर हंगामा और कुर्सियां चली हैं। हालांकि इस हंगामे का दोष एक बार फिर हार्दिक ने बीजेपी पर मढ़ा है। बालाकोट में पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त करने की वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र प्रदान करने की सिफारिश की गई है। दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में दक्षिणी मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 और लोक प्रतिनिधित्व की धारा 125 के अंतर्गत FIR दर्ज कराई गई है। केरल में पतनमतिट्टा से लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने उनके खिलाफ लंबित केसों को लेकर टीवी पर एड दिया है, जिसके मुताबिक उन पर 242 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 222 मामले तो सिर्फ सबरीमाला आंदोलन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे प्रभावित एक ग्रुप के सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि यह शख्स दिल्ली समेत उत्तर भारत में नेताओं और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में था। कैश संकट की वजह से जमीन पर खड़े हो चुके जेट एयरवेज के कुछ विमान अगले सप्ताह से उड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट जेट एयरवेज के 30 से 40 बोइंग 737 विमानों को उड़ाने के लिए तैयार है और एयर इंडिया 5 बोइंग 777 और कुछ भी 737 विमानों को उड़ाएगी। गंगा की स्वच्छता और अबाध प्रवाह के लिए पिछले साल अक्टूबर से ही अनशन पर बैठे 26 वर्षीय स्वामी आत्मबोधानंद ने जल त्यागने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए उनकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र और भाजपा नेता अमरेंद्र निषाद पुनः समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमरेंद्र निषाद पिपराइच विधानसभा से सपा के विधायक रह चुकी अपनी मां राजमती निषाद के साथ बीते दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। पीलीभीत से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी वरुण गांधी ने बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच उनके स्वागत के लिए भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अवध किशोर की ये रिपोर्ट। वरुण गांधी
अब उनके लिए अच्छी खबर है जो कि सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये सभी सरकारी नौकरियां हैं, इसीलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और उस पर अमल कीजिए। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज भर्ती 2019। पदों की संख्या है 4, पद का नाम है सीनियर रिसर्च फेलो और फार्मिस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 24 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है सीनियर रिसर्च फेलो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA MS डिग्री होनी चाहिए। फार्मिस्ट, फार्मेसी में डिप्लोमा या डी फार्मा या बी फार्म या आयुर्वेदिक फार्मेसी में अनुभव। आवेदक की आयु 18 से 35 होनी चाहिए और आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.ccras.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप CCRAS में भी नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाए हैं। इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है आंध्र प्रदेश DSC भर्ती 2019। संस्थान का नाम है आंध्र प्रदेश DSC भर्ती। यहाँ पे पदों की संख्या 602 है और पद का नाम है स्कूल असिस्टेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 21 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 18 से 44 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता निर्देशक के संबंधित माध्यम में या प्रथम संबंधित भाषा के साथ SSC परीक्षा या इंटरमीडिएट डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार वेबसाइट www.schooledu.ap.gov.in/dscnew/ पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी वैकेंसी निकाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे पदों की संख्या 5 है, पद का नाम है जजमेंट ट्रांसलेटर। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है LLB। मासिक आय 25,000 से 30,200 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.allahabadhighcourt.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपको पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने भी भर्ती निकाली है। जी हाँ, अगर आप टाटा मेमोरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई। यहाँ पदों की संख्या 2 है, पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 2 मई 2019 11 बजे से। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार MCI द्वारा मान्यता प्राप्त एनएसटी सोशियोलॉजी में MEd या DNB PG डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 होनी चाहिए और पे स्केल 86,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.wbhrb.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वह है नीति आयोग। जी हाँ, अगर आप नीति आयोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए। संस्थान का नाम है नीति आयोग। यहाँ पदों की संख्या है 87, पद का नाम है विभिन्न पद। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर। आवश्यक योग्यता है यंग प्रोफेशनल प्रासंगिक क्षेत्र में मास्टर डिग्री या BE BTech या 2 साल का PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या MBBS या LLB या CA या ICWA। न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 होनी चाहिए और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक www.niti.gov.in पर जाकर अब अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वो है एम्स पटना। जी हाँ, आप एम्स पटना ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है एम्स पटना। पदों की संख्या है 10, पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 30 अप्रैल 2019। जी हाँ, आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में MBBS के साथ संबंधित विशेषता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा MS या समकक्ष होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 37 होनी चाहिए।
जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये नौकरी भी काम की नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी नौकरी निकाली है। जी हाँ, आप साउथ सेंट्रल रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है RRB साउथ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पदों की संख्या 63 है। पद का नाम है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट पदों के लिए। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख वॉक इन इंटरव्यू तिथि 24 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रासंगिक क्षेत्र में डिप्लोमा BE, BTech या BSc। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो हम आपके लिए अगली नौकरी जो लेकर आए हैं वो है इंडो तिब्बतियन सीमा पुलिस। जी हाँ, आप ITBP ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है इंडो तिब्बतियन सीमा पुलिस। पदों की संख्या 121। पद का नाम स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप सी के तहत अस्थायी आधार पर कांस्टेबल भर्ती। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 21 जून 2019। आवश्यक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष। वे खिलाड़ी जिन्होंने प्रतियोगिता के स्तर पर पदक जीते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 23 होनी चाहिए। आवेदक ऑनलाइन लिंक www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जी हाँ, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपको पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ने भी नौकरी निकाली है। संस्थान का नाम है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन। यहाँ पदों की संख्या 5000 है। पद का नाम है गनमैन। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 22 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो। इसके अलावा चयन फिजिकल टेस्ट एवं लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदक की आयु 18 से 40 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.tengidco.gov.in पर जाकर 22 मार्च से 22 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अगली नौकरी है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी हाँ, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। संस्थान का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। पदों की संख्या है 5। पद का नाम है जजमेंट ट्रांसलेटर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कानून में बैचलर डिग्री या 5 वर्ष एकीकृत लॉ कोर्स। मासिक आय 25,000 से 40,000। आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन लिंक www.allahabadhighcourt.in पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी मिड्डे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।